बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। बहुत प्यारा माहौल है गांव का, और अभी मैं आपको ये कमरे में जाकर दिखाता हूँ। ये देखें, इनके जानवर भी बंधे हुए हैं इधर, और काफ़ी ज़्यादा खुला घर है इनका। ये कमरे में ये देखें तो इन्होंने रखी हुई है, लो जी, तूड़ी रखी है अंदर, और चारपाई है, और काफ़ी ज़्यादा सामान रखा हुआ है अंदर। और बहुत प्यारा माहौल है ये गाँव का। ये देखें छत है जो, वो भी कानों की है, लकड़ी की है, पट्टे सुखा के रखे हैं। और ये टोका है जो चारा काटने के लिए इस्तेमाल होता है। टोका देखें जी, चारा अभी भी इसमें मौजूद है। और इस तरफ से पूरा घर देखें तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। और ये है नलका। नलका तो जिनके घर हम आए हैं, ये काफी ज्यादा गरीब लोग हैं, तो देख सकते हैं इन्होंने वाशरूम ये बनाया हुआ है। इनके पास वाशरूम बनने के पैसे नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा गुरबत में ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये इनकी ज़िंदगी काफ़ी हसीन होती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखें इनके छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, और इनका अच्छा वक्त गुजर रहा है। लेकिन इनके पास पैसे नहीं हैं कि वो बना सकें, वाशरूम बना सकें। और ये देखें जी, ये इन्होंने डिज़ाइन बनाया, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और ये तंदूर है जिसमें रोटियां लगाई जाती हैं, और साथ एक चूल्हा है। ये आप देख सकते हैं लकड़ी के ऊपर बर्तन रखे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये होता गांव वाला माहौल यार, ये देखें। और ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया, इसमें प्याली रखी है और जूते रखे हुए हैं, सामान रखने के लिए ये बनाया। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये भट्टे के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं। ये मिट्टी स्टॉक कर लेते हैं काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी करके, और बाद में इसको नरम करते हैं पानी में। ये क्रेन डालेगी, वो देखें, क्रेन पानी में इसे डालेगी, और ये ट्रालों में भर के लेकर जाएंगे भट्टे पर, और वहाँ पर ईंटें बनेंगी। और ये सुबह सुबह का टाइम है जो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ।